इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्राचीन यूक्रेनी जंगल जादू और रहस्यों से भरा हुआ है, जिसने सदियों से अपने अंदर कई राज छुपा कर रखे हैं। प्राचीन यूक्रेनी जंगल के डार्क माउंटेन के पीछे सोर्स ऑफ लाइफ का पेड़ मौजूद है, जो जंगल में रहने वाले जानवरों और जंगल के स्वरूप को बनाए रखने में मदद करता है। जंगल के गार्डियन सोर्स ऑफ लाइफ की बाहरी ताकतों से सुरक्षा करते हैं, लेकिन एक बार सर्दियों में जब जंगल के सारे जीव गहरी नींद में रहे थे, तब गार्जियन अकेले ही जंगल की पहरेदारी करने लगे। कुछ समय के बाद पास के राज्य के राजा एक लालटेन लेकर डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में आए, जिन्हें देखकर जंगल के गार्डियन पूरी तरह से हैरान थे। राजा गार्डियन के सामने रोकर अपनी छोटी बच्ची को बचाने की विनती करने लगे, क्योंकि वो किसी गंभीर बीमारी से जल्दी मरने वाली थी। राजा को इस परेशानी में देखकर गार्डियन ने राजा की मदद करने का फैसला किया और राजा की छोटी बेटी को बचाने के लिए उन्हें एक बूंद सोर्स ऑफ लाइफ दिया, जो उनकी छोटी बेटी को बचाने के लिए पर्याप्त था। सोर्स ऑफ लाइफ की एक बूंद लेकर राजा वापस चला गया, लेकिन जल्दी वो अपनी सेना के साथ वापस लौट आया, क्योंकि वो पूरे सोर्स ऑफ लाइफ के ट्री को अपने कब्जे में लेना चाहता था, ताकि वो हमेशा जवान रहे और कभी ना मरे। राजा अपनी सेना के साथ जंगल में घुस आया और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। जंगल को खतरे में देखकर गार्डियन को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में राजा और उसकी सेना के साथ ही पूरे जंगल को भी जला दिया। इंसानों के स्वार्थ और गार्डियन के गुस्से ने पूरे जंगल को बर्बाद कर दिया था। और वसंत में जब जंगल के बाकी जीव वापस आए तो जंगल को इस हाल में देखकर पूरी तरह से हैरान थे। गार्डियन को समझ आ गया था कि इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने जंगल में एक नया नियम बनाया कि अब कोई भी इंसान डार्क फॉरेस्ट माउंटेन में नहीं आएगा। सोर्स ऑफ लाइफ की मैजिकल शक्ति से डार्क माउंटेन फॉरेस्ट वापस से हरा भरा और खूबसूरत बन गया। अगले सीन में कई सालों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर जब सर्दियाँ चली जाती है तो डार्क माउंटेन फॉरेस्ट के सभी मिस्टीरियस जीव गहरी नींद से जागते हैं, जिनमें से एक थी मावका। मावका डार्क माउंटेन फॉरेस्ट की एक गुड स्पिरिट थी, जिसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर थी और वो फॉरेस्ट के सभी जीवों की मदद करती थी। गहरी नींद से जागने के बाद मावका अपने पेट फ्रॉग और केट के साथ मिलकर बर्फ पिघलाने और जीवों की मदद करने में लग जाती है। मावका की तरह ही डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में और भी सीट ह्यूमन फॉर्म में रहती थी, जो जंगल के बाकी जीवों की मदद करती थी और इंसानों के हमले से डार्क माउंटेन फॉरेस्ट को बचाती थी। सर्दियां जाने और वसंत मौसम के वापस आने से डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में एक बार फिर से हरियाली और खुशहाली लौट आई थी, जिसे देखकर मावका बहुत खुश थी। मावका जब साउंड के गॉड हर्ष को सारस की सवारी करते हुए देखती है तो बहुत खुश होती है, क्योंकि हर्ष मावका का अच्छा दोस्त था। अगले सीन में हम डार्क माउंटेन फॉरेस्ट के पास के गांव का सीन देखते हैं, जहां पर लुकस नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाना गा रहा था, जिसे सुनकर गांव वाले बहुत खुश थे। लुकस अपने दोस्तों के साथ सिटी में जाकर एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता था, क्योंकि वो काफी अच्छी बांसुरी बजा लेता था। अब एक लड़का भागते हुए लुकस के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे अंकल की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। लुकस ये सुनते ही अपने अंकल की मदद के लिए तेजी से घर की तरफ भागता है। लुकस के वहाँ से जाने के बाद राज्य की राजकुमारी काइलिना अपने असिस्टेंट और दो गार्ड्स के साथ वहाँ आती है, जो गांव वालों को बताती है कि मेरे मॉम डैड के मरने के बाद किसी ने भी इस गांव पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब गांव वालों की सारी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है और वो जल्दी अमीर बनने वाले हैं। गांव वाले काइलाना की ये बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन काइलाना जब गांव वालों को बताती है कि उन्हें अमीर बनने के लिए पास के डार्क माउंटेन फॉरेस्ट से लकड़ियां काटकर दूसरे राज्यों को बेचना होगा, तो सारे गांव वाले डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में जाने पर वहाँ के डेमोन उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगले सीन में हम मावका को देखते हैं, जो डार्क माउंटेन फॉरेस्ट के प्यारे जीवों के साथ एंजॉय कर रही थी कि तभी उसे किसी जानवर के चीखने की आवाज सुनाई देती है, और जब मावका उस तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक जंगली बिल्ले के बच्चे का पैर ट्रेप में फंसा हुआ था। मावका किसी तरह उस बच्चे का पैर ट्रेप से बाहर निकालती है और साथ ही अपने मैजिकल पावर की मदद से उसके पैर में आई चोट को ठीक भी कर देती है, जिसे जंगली बिल्ली का बच्चा बहुत खुश होता है और अपनी मॉम के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगल के छोटे जीव मावका को बताते हैं कि गार्डियन उसे बुला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में लुकस के अंकल का इलाज करने वाली लेडी लुकस को शहर जाकर कुछ जरूरी दवाइयाँ लाने के लिए कहती है, लेकिन लुकस के पास इतने पैसे नहीं थे कि उन दवाइयों को खरीद सके, इसीलिए वो अपने गुल्लक को तोड़कर उनमें इकट्ठा किए गए पैसे भी बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब भी लुकस के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने अंकल के लिए शहर से दवाइयाँ
खरीद कर ला सके। लूकस के अंकल उसे समझाते हैं कि उनके लिए इतना परेशान ना हो क्योंकि शायद उनका आखिरी समय आ गया है, लेकिन लूकस का उसके अंकल के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था और वो अपने अंकल को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो दवाई लेने के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए राजकुमारी काइलिना के घर जॉब मांगने जाने का डिसाइड करता है। लूकस जब काइलिना के महल में पहुंचता है तो काइलिना लूकस को जॉब देने के लिए राजी हो जाती है और उसे बताती है कि जॉब के तौर पर उसे उसके दोनों गार्ड्स के साथ डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में जाकर एक खास प्रकार के पेड़ की पत्ती ढूंढनी होगी, जिसके बदले वो लूकस को ढेर सारे पैसे और खजाना देगी। लूकस को पता था कि डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में जाने का मतलब था सुसाइड करना, लेकिन लूकस के पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो काइलाना के गार्ड्स के साथ डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम डार्क माउंटेन फॉरेस्ट के गार्डियन को देखते हैं, जिनके कहने पर फॉरेस्ट के सारे जीव एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन माओका अभी तक वहाँ नहीं पहुँची थी। कुछ समय बाद माओका अपने पेट फ्रॉग और ट्रेप के साथ वहाँ जाती है और गार्डियन को सारी बातें बताती है कि किस प्रकार आज उसने फॉरेस्ट में एक इंसानी ट्रेप को देखा जिसमें एक जंगली बिल्ली के बच्चे का पैर फंस गया था। ट्रेप को देखकर गार्डियन और सारे जीव डर जाते हैं और गार्डियन अपने मैजिकल पावर की मदद से ट्रेप को दो हिस्सों में तोड़कर उससे मिट्टी के नीचे दबा देते हैं। इसके बाद गार्डियन सभी को बताते हैं कि अब मैं काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका हूँ, इसीलिए फॉरेस्ट के हिफाजत के लिए फॉरेस्ट की आत्माएं एक नए गार्डियन को चुनना चाहती है, जिसका फैसला आज होगा और आज ही फॉरेस्ट को उसका नया गार्डियन मिल जाएगा। गार्डियन की ऐसी बातें सुनकर जंगल के सभी जीव और स्पिरिट बहुत दुखी होती है, क्योंकि गार्डियन अब तक के सबसे बेहतर गार्डियन थे और उनके बाद ऐसा कोई नहीं था जो उनकी जगह ले सके। माओका जब अपनी जैसी स्पिरिट को बताती है कि गार्डियन के कहे मुताबिक फॉरेस्ट की आत्माएं हम में से किसी को भी नए गार्डियन के रूप में चुन सकती है, तो बाकी स्पिरिट माओका के इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर आत्माओं ने माओका को जंगल का नया गार्डियन बना दिया तो जंगल की हिफाजत कैसे करेगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा मासूम थी और बड़ी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाती थी। गार्डियन सभी को बताते हैं कि आत्माएं जिसे भी नए गार्डियन के रूप में चुनेगी वही जंगल का सच्चा गार्डियन होगा, क्योंकि आत्माएं जानती है कि कौन सच में गार्डियन बनने के काबिल है। अगले सीन में हम लूकस को देखते हैं जो काइलाना के दोनों गार्ड्स के साथ डार्क माउंटेन में होते हुए मैजिकल फॉरेस्ट तक पहुंच जाता है। मैजिकल फॉरेस्ट के आने के बाद जब काइलाना के गार्ड जंगली बेसों के एक झुंड को घास चढ़ते हुए देखते हैं तो अपने मनोरंजन के लिए उनका शिकार करने का डिसाइड करते हैं। लूकस को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जानबूझकर उनसे टकरा जाता है, जिससे उनका निशाना मिस हो जाता है और इंसानों के वहाँ होने का पता चलने के बाद सारे जंगली बेसे डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। काइलाना के दोनों गार्ड्स लूकस के इस हरकत से उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और उसे अकेले ही जंगल के अंदर जाकर मैजिकल पत्ती ढूंढने के लिए बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगली बेसों का झुंड डरकर तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब इससे पहले कि जंगली बेसों का झुंड भागते हुए पहाड़ी से नीचे खाई में गिरता, माओका किसी तरह बहुत मुश्किल से अपने मैजिकल पावर की मदद से झुंड के लीडर को शांत करने में कामयाब हो जाती है और झुंड के लीडर की मदद से सारे बेसों को खाई में गिरने से बचा लेती है। माओका को जब पता चलता है कि बेस फॉरेस्ट में आए किसी इंसान के डर से भाग रहे थे तो खुद ही उस इंसान यानी कि लूकस का सामना करने का डिसाइड करती है। लूकस डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में आकर चारों तरफ उस मिस्टीरियस पत्ते को ढूंढने लगता है जिसे लाने के लिए उसे काइलिना ने डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में भेजा था। डार्क माउंटेन फॉरेस्ट के रहस्यमय जीवों को देखकर लूकस पूरी तरह से हैरान था और काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब उसे वो पत्ता नहीं मिलता है जिसे ढूंढने के लिए वो फॉरेस्ट में आया था तो एक जगह पर बैठकर बांसुरी बजाने लगता है। अब वहाँ पर माओका भी अपने कैट फ्रॉग के साथ लूकस को डराने के लिए आ गई थी, लेकिन वो लूकस के मधुर बांसुरी धुन को सुनकर रुक जाती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इतनी मधुर संगीत नहीं सुना था। लूकस जब माओका को देखता है तो उसे फॉरेस्ट डेमोन समझकर डरकर भगाने लगता है, लेकिन अगले ही पल पेड़ की डाली से टकराकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अब वहाँ पर हर्ष भी आ गया था जो लूकस को देखकर माओका से इसके बारे में गार्डियन और बाकी की स्पीड को बताने के लिए कहता है। माओका हर्ष को ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि गार्डियन और जंगल की स्पीड को जब लूकस के जंगल में आने के बारे में पता चलेगा तो उसे जान से मार देगी। माओका हर्ष को अपने साथ मिलकर लूकस को समझाने और उसे जंगल से बाहर भेजने के लिए राजी कर लेती है। लूकस को जब होश आता है तो खुद को एक जंगली बेसे के ऊपर पाता है क्योंकि माओका और हर्ष लूकस
लोकस को अपने साथ ले जा रहे थे। हर्ष को लोकस के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसीलिए वो पूरे रास्ते लोकस से झगड़ा करता रहता है। माओका को कहीं ना कहीं विश्वास था कि लोकस बाकी इंसानों से अलग है, क्योंकि उसने अभी कुछ समय पहले लोकस के बांसुरी के धुन को सुना था। माओका और हर्ष के पहुँचने पर लोकस उन्हें सारी बातें सच सच बता देता है कि वो जंगल में किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि पैसों के लिए एक खास प्रकार के पत्ते को ढूंढने के लिए आया है, ताकि अपने अंकल को मरने से बचा सके। लोकस की बातें सुनकर मावला उसकी मदद करने का फैसला करती है और फॉरेस्ट के नियम को तोड़कर लोकस को लाइफ सोर्स का एक बूंद देने का डिसाइड करती है, ताकि लोकस अपने अंकल को मरने से बचा सके। माओका इस काम में मदद के लिए हर्ष को चुनती है। यह काम काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि फॉरेस्ट के रूल को तोड़कर एक इंसान को अपने साथ फॉरेस्ट में रखना था और साथ ही उसे एक बूंद लाइफ सोर्स देना था। इसलिए हर्ष पहले तो इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन माओका से रिक्वेस्ट करती है तो इसके लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कायलिना के दोनों गार्ड्स लोकस से अलग होकर फॉरेस्ट में भटक रहे थे। इस दौरान डार्क माउंटेन फॉरेस्ट की स्पीड उन दोनों को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर डार्क फॉरेस्ट माउंटेन में भागने में कामयाब हो जाते हैं। माओका लोकस के बांसुरी के मधुर धुन से बहुत प्रभावित थी और वो संगीत को एक तरह की मैजिक समझ रही थी, लेकिन लोकस माओका को समझाता है कि वो कोई मैजिक नहीं बल्कि संगीत है और उसका सपना है कि वो शहर जाकर एक बहुत बड़ा सिंगर बने। इसके बाद माओका लोकस और हर्ष के साथ लाइव सोर्स ट्री की तरफ निकल पड़ती है और इस दौरान वो सभी खूब एंजॉय करते हैं और लोकस डार्क माउंटेन फॉरेस्ट की खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से हैरान था। फॉरेस्ट में हो रही हलचल को देखकर फॉरेस्ट के गार्डियन माओका के पास उससे मिलने आते हैं। इस दौरान लोकस भी वहां पर मौजूद था, लेकिन गार्डियन लोकस को पहचान नहीं पाते कि वो एक इंसान है, क्योंकि हर्ष ने पहले ही लोकस को पत्तियां पहनाकर अपनी तरह बना दिया था। माओका गार्डियन को झूठ बोल देती है कि लोकस हर्ष का भाई है, जिसके बाद गार्डियन लोकस को हर्ष का भाई समझकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसे रात में होने वाले फंक्शन के बारे में बताते हैं, जिसमें आत्माएं फॉरेस्ट के नए गार्डियन को चुनेगी। हर्ष ये देखकर पूरी तरह से डरा हुआ था कि कहीं गार्डियन को लोकस की सच्चाई पता ना चल जाए। माओका हर्ष को समझाती है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, फंक्शन खत्म होने के बाद वो चुपके से लोकस को लाइफ सोर्स की एक बूंद दे देगी, जिसके बाद वो फॉरेस्ट से हमेशा के लिए चला जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कायलिना के दोनों गार्ड जब बुरी हालत में कायलिना के पास पहुंचते हैं तो उन दोनों पर बहुत गुस्सा होती है। अब अचानक से कायलिना के चेहरे में बदलाव आना शुरू हो जाता है और उसके चेहरे के एक हिस्से पर झुर्रियां पड़ने लगती है। कायलिना को जब इसके बारे में पता चलता है तो तेजी से अपने कमरे में आती है, जहां पर वो लाइफ सोर्स की बची हुई आखिरी बूंद अपने चेहरे पर लगाती है, जिससे झुर्रियां खत्म हो जाती है और वापस से जवान बन जाती है। अब कायलिना के पास लाइफ सोर्स की एक भी बूंद नहीं बची थी, इसलिए उसे जवान बने रहने के लिए किसी भी तरह लाइफ सोर्स की जरूरत थी। अगले सीन में हम डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में लोकस को देखते हैं, जो माओका हर्ष और बाकी जीवों के साथ जब लाइफ सोर्स के ट्री के पास इकट्ठा होता है तो गार्डियन आग पानी हवा और पृथ्वी की आत्माओं से फॉरेस्ट के नए गार्डियन को चुनने के लिए कहते हैं। चारों तत्वों की आत्माएं एक साथ मिलकर माओका को जंगल के नए गार्डियन के रूप में चुनती है और एक एक करके अपनी शक्तियां उसे देती है, ताकि वो बुरी शक्तियों से फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के जीवों की हिफाजत कर सके। माओका और माओका की तरह ही ह्यूमन फॉर्म में रहने वाली स्पिरिट को इस बात पर विश्वास नहीं होता कि माओका को नए गार्डियन के रूप में चुना गया है, और एक स्पिरिट तो माओका के गार्डियन चुने जाने पर विरोध जाहिर करने लगती है। लोकस को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और जब वो उस स्पिरिट का विरोध करता है तो उसे पता चल जाता है कि लोकस हर्ष का भाई नहीं बल्कि एक इंसान है, और वो लोकस का इंसानी रूप सभी के सामने जाहिर कर देती है। अपने बीच में एक इंसान को देखकर गार्डियन और सारे जीव पूरी तरह से हैरान थे। लोकस को खतरे में देखकर माओका किसी तरह उसे वहां से भागने में मदद करती है और फॉरेस्ट की गार्डियन होने की वजह से फॉरेस्ट के जीवों को लोकस को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने के लिए कहती है। फॉरेस्ट की स्पीड और सारे जीव लोकस को मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे और लोकस किसी तरह बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। माओका अपनी शक्तियों की मदद से लोकस को बचाकर अपने पास बुला लेती है और लाइफ ऑफ सोर्स की एक बूंद देकर लोकस को जंगली बिल्ली के ऊपर बैठकर जल्द से जल्द फॉरेस्ट से बाहर जाने के लिए बोलती है। लाइफ सोर्स की एक बूंद लेकर लोकस जंगल के बाहर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है और फॉरेस्ट के स्पिरिट जीव उसे ढूंढते ही रह जाते हैं। अगले सीन में हम राजकुमारी कायलिना को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि लोकस सही सलामत
बरामद डार्क माउंटेन फॉरेस्ट में वापस लौट आया है। काइलिना को शक था कि जरूर लुकस ने लाइफ सोर्स के ट्री को ढूंढ लिया होगा, इसीलिए अपने असिस्टेंट को लुकस पर नजर रखने के लिए भेजती है। लुकस घर वापस आकर सबसे पहले लाइफ सोर्स के एक बूंद को पानी में मिलाकर अपने अंकल को पिलाता है, जिसे पीने के बाद उनकी सारी बीमारी दूर हो जाती है और वो काफी ज्यादा फुर्तीले महसूस करने लगते हैं। लुकस और उसके अंकल लाइफ सोर्स के इस मैजिकल पावर को देखकर बहुत खुश थे और फिर इसके बाद वो दोनों किसी काम से घर से बाहर चले जाते हैं। उनके घर के बाहर जाने के बाद काइलिना का असिस्टेंट चुपके से घर के अंदर चला जाता है, जहाँ से वो टेबल पर रखी हुई लाइफ सोर्स की पत्ती को हासिल करना चाहता था। इस दौरान लुकस का मुर्गा काइलिना के असिस्टेंट को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, लेकिन काइलिना का असिस्टेंट किसी तरह लाइफ सोर्स का पता लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट में माओ का लुकस की बांसुरी लेकर उसे लुकस को वापस लौटाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फॉरेस्ट के गार्डियन बनने के बाद वो फॉरेस्ट से बाहर लुकस के गांव में जाने से डर भी रही थी, क्योंकि उसके गैर मौजूदगी में अगर फॉरेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो फॉरेस्ट के जीवों की हिफाजत कौन करेगा। इसके बाद हम काइलिना के असिस्टेंट को देखते हैं, जो काइलिना के पास आकर उसे वो पत्ता दिखाता है, जिसे ढूंढने के लिए उसने अपने दोनों गार्ड्स को लुकस के साथ ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट में भेजा था। काइलिना उस पत्ते को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लुकस को लाइफ सोर्स ट्री के लोकेशन के बारे में पता चल गया है। इसके बाद हम माओका को देखते हैं, जो खुद को ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट से बाहर आने से रोक नहीं पाती और अपना रूप बदलकर अपने फ्रेंड केट फ्रॉक के साथ लुकस के गांव में आ जाती है। लुकस जब अपने घर पर माओका को देखता है तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो माओका को काफी ज्यादा मिस कर रहा था और अब कहीं न कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लुकस के बांसुरी उसे लौटाने के बाद माओका वापस से ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट जाने लगती है, लेकिन लुकस माओका को रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि आज उसके गांव में एक खास प्रकार का फेस्टिवल मनाया जाने वाला था। माओका लुकस की बात मानकर रुक जाती है और ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट में वापस नहीं जाती है। इसके बाद लुकस माओका को अपने साथ मेले में ले आता है, जहां पर वो दोनों साथ में खूब एंजॉय करते हैं। और अब काइलिना भी अपने गार्ड्स और असिस्टेंट के साथ मेले में आ गई थी। लुकस जब माओका को इम्प्रेस करने के लिए बांसुरी बजाता है तो बांसुरी के मधुर धुन से माओका के बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है और सभी को पता चल जाता है कि माओका कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट की डेमोन है। लुकस और माओका लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं, लेकिन अब काइलिना और उसके लोग गांव वालों को माओका के खिलाफ भड़काने लगते हैं, जिसकी वजह से माओका को बंदी बना लिया जाता है। और जब लुकस माओका को बचाने की कोशिश करता है तो काइलिना के गार्ड्स लुकस पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद काइलिना सारे गांव वालों को बताती है कि माओका जैसे ब्लैक माउंटेन डेमोन की वजह से ही बाढ़ भूकंप आते हैं और सूखा पड़ता है, इसीलिए हमें किसी विच की तरह माओका को भी आग जलाकर जला देना चाहिए। गांव वाले काइलिना की बातों में आकर माओका को जलाकर मारने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि काइलिना माओका को आग लगाकर जलाती, माओका अपने मैजिकल पावर की मदद से आग को बुझा देती है। और अब माओका की केट फ्रॉग भी वहां पर आ गई थी, जो माओका की रस्सियां काटकर उसे आजाद करा देती है। अब माओका जब अपनी केट फ्रॉग के साथ ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट में वापस जाने की कोशिश करती है तो गांव वाले माओका का रास्ता रोक लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यहां पर ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट के गार्डियन भी आ जाते हैं, जो माओका को गांव वालों से बचाकर अपने साथ जंगल में वापस ले जाते हैं। माओका और गार्डियन के वहां से जाने के बाद काइलिना गांव वालों को बताती है कि अब गार्डियन अपनी सेना के साथ गांव पर हमला करेंगे और पूरे गांव को जलाकर राख कर देंगे, इसीलिए गार्डियन के हमला करने से पहले हमें उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। गांव वाले काइलिना की बातों में आकर ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट पर हमला करने के लिए राजी हो जाते हैं। लुकस जब होश में आता है तो खुद को तहखाने में पाता है, जहां पर उसे काइलिना ने अपने दोनों गार्ड्स की मदद से बंदी बना लिया था। काइलिना अपने असिस्टेंट को माओका जैसे कपड़े पहनाकर लुकस से कहती है कि अगर तुम ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट में जाने का रास्ता नहीं बताओगे तो मैं माओका को जान से मार दूंगी। लुकस काइलिना के असिस्टेंट को माओका समझकर उसे ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट जाने का रास्ता बता देता है। मैप हासिल करने के बाद काइलिना लुकस को बताती है क्यों माओका नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट है, और फिर इसके बाद वो तहखाने से पानी के पाइपलाइन को जोड़कर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि लुकस कुछ ही समय बाद तहखाने में पानी भरने की वजह से मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट में गार्डियन
नौका को बताते हैं कि उसने एक इंसान पर विश्वास करके उसे लाइफ सोर्स की एक बूंद दिया और अब वही इंसान फॉरेस्ट पर हमला करके पूरे लाइफ सोर्स को हासिल करना चाहते हैं। गार्डियन माओका को समझाते हैं कि सालों पहले उनसे भी एक गलती हुई थी जब राजा अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए उनसे लाइफ सोर्स की एक बूंद मांगने के लिए आया था। गार्डियन ने राजा को लाइफ सोर्स ट्री से एक बूंद निकालकर राजा को दिया ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन कुछ समय बाद राजा अपनी पूरी सेना के साथ फॉरेस्ट में आ गया क्योंकि वो लाइफ सोर्स ट्री को अपने कब्जे में लेकर पूरे लाइफ सोर्स का मालिक बनना चाहता था। राजा अपनी सेना के साथ फॉरेस्ट में चारों तरफ तबाही मचाने लगा। फॉरेस्ट को खतरे में देखकर गार्डियन ने ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट के फायर सोल से मदद मांगी और राजा के साथ ही उसकी पूरी सेना को जलाकर राख कर दिया, लेकिन इस दौरान अनजाने में गार्डियन ने ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, जिसका दुख उन्हें आज भी था। अगले सीन में हम काइलिना को देखते हैं जो गाँव वालों और एक जॉइंट मशीन के साथ ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट पर हमला करने और लाइफ सोर्स ट्री को हासिल करने के लिए निकल पड़ती है। लूकास अभी भी तहखाने में फंसा हुआ था जहाँ पर पानी का स्तर लगा बढ़ता जा रहा था। अब लूकास को ढूंढते हुए उसका डॉग उसके पास पहुंच जाता है। लूकास अपने डॉग को जल्द से जल्द मदद लाने के लिए भेजता है। काइलिना गांव वालों के साथ ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट पर हमला करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही थी। गार्डियन और फॉरेस्ट के बाकी क्रिएचर को जब ये बात पता चलती है तो वो भी काइलिना और गाँव वालों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अब उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। माओका अपने मैजिकल पावर की मदद से काइलिना के जॉइंट मशीन को रोक देती है और उसे सब बंद करने के लिए कहती है क्योंकि युद्ध में फॉरेस्ट और गांव दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे थे। माओका की बात सुनकर काइलिना माओका को बताती है कि उसे राजा की बेटी ना समझे क्योंकि वो राजा की बेटी नहीं बल्कि खुद महारानी है, जो राजा द्वारा ले जाए गए लाइफ सोर्स की एक बूंद की मदद से अब तक जिंदा और जवान थी, लेकिन अब क्योंकि उसके पास लाइफ सोर्स की एक भी बूंद मौजूद नहीं है इसलिए वो फॉरेस्ट पर हमला करके लाइफ सोर्स ट्री को हासिल करना चाहती थी ताकि हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहे। काइलिना माओका से झूठ बोलती है कि लूकास फॉरेस्ट में सिर्फ पैसों के लिए आया था और अब क्योंकि उसे पैसे मिल चुके हैं इसलिए वो माओका को छोड़कर चला गया और अब कभी भी वापस नहीं आएगा। माओका यह सुनकर बहुत दुखी होती है क्योंकि वो लूकास से प्यार करती थी और उसने कभी नहीं सोचा था कि लूकास उसके साथ ऐसा करेगा। माओका के दुखी होने से वो अपने पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाती है और इस मौके का फायदा उठाकर काइलिना जॉइंट मशीन के साथ लगातार लाइफ सोर्स ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लूकास का डॉग किसी तरह ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट में आ गया था जहाँ से वो हर्ष और माओका को अपने साथ लूकास की मदद करने के लिए ले जाता है। हर्ष अपने सारस के ऊपर बैठकर जल्दी डॉग और केट फ्रो के साथ काइलिना के महल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो काइलिना के असिस्टेंट पर हमला करके उसका ध्यान भटकाता है और इस मौके का फायदा उठाकर डॉग और केट फ्रो किसी तरह लूकास को तहखाने से बाहर निकाल लेते हैं और इस प्रकार लूकास की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ माओका जब देखती है कि गांव वाले और काइलिना फॉरेस्ट को जला रहे हैं और फॉरेस्ट के जीवों को बुरी तरह से मार रहे हैं तो गुस्से में आ जाती है और फॉरेस्ट के फायर सोल से आग की पावर मांगकर गांव वालों और काइलिना पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। माओका का इस समय खुद पर कंट्रोल नहीं था और वो गांव वालों के साथ ही पूरे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के जीवों को भी जलाकर मार रही थी। गार्डियन और माओका के साथ ही माओका को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गुस्से में अपने लोगों को ही मार रही है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। फॉरेस्ट के सारे जीव और गार्डियन गांव वालों के साथ अपनी जान बचाकर भागते हुए फॉरेस्ट से बाहर गांव में आ जाते हैं और अब माओका भी लगातार गांव की तरफ बढ़ रही थी। माओका इस समय एक आग के टोर्नेडो के बीच में थी और रास्ते में आने वाले सभी चीजों को जलाते हुए लगातार आगे बढ़ रही थी। अब लूकास भी गांव तक पहुंच गया था और जब वो माओका को इस हालत में देखता है तो बांसुरी बजाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। बांसुरी की धुन सुनने के बाद माओका की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं और वो जल्दी होश में आ जाती है। माओका के होश में आते ही आग का तूफान रुक जाता है और गांव तबाह होने से बच जाता है। होश में आने के बाद माओका का पूरा शरीर काला पड़ जाता है क्योंकि अपनी पावर देने के बदले आग के देवता ने माओका की लाइफ उससे छीन ली थी, लेकिन माओका और लूकास के प्यार को देखते हुए आग के देवता माओका को वापस से जिंदा कर देते हैं और इस बार वो लूकास को भी गार्डियन बना देते हैं। लूकास और माओका एक दूसरे
दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे और अब ब्लैक माउंटेन फॉरेस्ट और गांव के सभी लोग साथ में मिलकर रहने लगते हैं, क्योंकि अब गांव और फॉरेस्ट दोनों के पास अपने गार्डियन थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो का 10K लाइक एम भी पूरा हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।